घाघरा पहन के ये वाली लड़की के बारे में? हमको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा एजेंट उसे किसी अनाथालय से यहाँ लेकर आया था। कौन अनाथालय से लाया था ये बता सकते हैं क्या? ठीक है, मैं दे रहा हूँ। ये पता मिलने से एक उम्मीद तो जागा है कि हम वो लड़की के बारे में कुछ जान सकेंगे। कल गोद भराई की रस्म अच्छी हो गई ना, सब कितने खुश थे और दीदियाँ तो सबसे ज्यादा। कुछ ही दिनों में घर में कितनी चहल पहल हो जाएगी। और वैसे भी हम तो देख रहे हैं आजकल, जब से मधु जी का ब्याह तुम्हें साथ में हुआ है, वो आजकल बहुत ही खुश रहते हैं। अभी देखो। प्रणाम सीताराम जी। प्रणाम। बाहरवा का खड़े हैं, बैठे ना अंदर आके। लाली, हम कह रहे थे कि तुम तनिक आराम कर लो अभी। अब ये हालत में ये सब कहा करोगे? बच्चे के बारे में भी तो सोचो। बच्चा के बारे में आप सोचिए। अब सरपंच की गद्दी पे बैठे हैं तो सरपंच के काम के बारे में कौन सोचेगा? हम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। लाइए सीताराम जी। फाइल है, इसमें आपके दस्तखत चाहिए। सपनों की दुनिया अब हकीकत बन चुकी है। जिस सपने के पीछे हम भाग रहे थे, उसी सपने ने हमें हमारी किस्मत वापस लौटा दी। आज हम बहुत खुश है सच। कहाँ बात है? अरे कहाँ थे जब मैं इतनी देर से बुला रहे हैं तुमको? गाओगे, तबीयत खराब हो रही है तुम अभी। आराम करो, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम पानी ले लेते हैं खुद ही। कहाँ थी रे तू? बटर छीटते छीटते से भाग जाती है। कुछ नहीं माई, बस क्या हुआ रे? उल्टी क्या हुआ? भाई, आप हमारा काफी वक्त बर्बाद कर चुकी हैं और आप जिस तरह हम पे दबाव डालकर ये गैर कानूनी काम हमसे करवा रही हैं, वो एक गांव के सरपंच को शोभा नहीं देता। अच्छा, और अनाथालय में काम करने वाले लोग अपने ही अनाथालय की लड़की को बेच दे शोभा देता है? हाँ, हम जा रहे हैं, दरोगा साहब आएंगे, संभाल लीजिएगा। देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारी संस्था के पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम इन बच्चों की देखभाल कर सकें, इसलिए एक उम्र के बाद हम उन्हें भेज देते हैं जहाँ से हमें ज्यादा पैसा मिल सके, जिससे उस बच्चे को भी ठिकाना मिल जाए और बाकी के बच्चों की भी देखभाल हो जाए। वो आदमी जब उस लड़की को देखने आया ना, तो उसने इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया कि हम उसे मना नहीं कर सके। कौन आदमी आया था वो लड़की को देखने? देखिए, हम उसका नाम तो नहीं जानते, बस एक ही बार वो आदमी उस लड़के को देखने आया था। खाली इतना बता सकती है कि वो लड़की कौन है, कहां से आई, कौन लेकर आया यहाँ पर? पर आपको हमसे एक वादा करना होगा। आप किसी को ये नहीं बताएंगी कि ये सब कुछ हमने आपको बताया? आप एकदम निश्चिंत रहिए, बस इतना जानते हैं कि वो एक ठाकुर खानदान से हैं। और रिद्धि नाम है।